दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे T20 मैच में एंट्री लेते ही जडेजा ने इंग्लैंड की टीम की एग्जिट करवा दी और ऐसे धाकड़ छक्के जडेजा से देखकर रोहित तो क्या कोहली भी हैरान हो गए। जड्डू की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला एट गबेस्टन के मैदान में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ये दंगल जैसे ही शुरू हुआ भारतीय खिलाड़ी इस बार भी दहाड़ते हुए मैदान में उतरे, लेकिन एक ताज्जुब भरी ओपनिंग जोड़ी लेकर रोहित ने सबको चकित कर दिया। दोस्तों, रोहित शर्मा टॉस हार गए थे और पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला, लेकिन खुशखबरी की बात यह थी कि रोहित पहले बल्लेबाजी ही चाहते थे। मैदान में आकर रोहित शर्मा पंत के साथ चौके और छक्कों की बौछारें करने लगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग 210 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा ने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया था 4 ओवर के अंदर, क्योंकि 4 ओवर के अंदर हमारी टीम 50 से ज्यादा रन कवर कर चुकी थी। दोस्तों, 155 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा ने 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 20 गेंदों में 31 रन जड़ दिए और ऋषभ पंत का तो क्या ही कहना, वो भी बराबर की रेस लगा रहे थे। 173 का स्ट्राइक रेट, 14 गेंदों में 25 रन और अपनी पारी में 4 चौके तो वही एक शानदार छक्का भी लगाया। लेकिन दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद मानो भारतीय टीम तो तर्ज के पत्तों की तरह बिखरने लगी। ना सिर्फ हार्दिक पांड्या फ्लॉप हुए, विराट कोहली तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। इसी के साथ साथ दोस्तों, बीच मैदान में सूर्य कुमार यादव भी मात्र 15 रन पर आउट हो गए थे, तो कोहली 1 रन और पांड्या 12 रन पर। कार्तिक और हर्षल ने थोड़ी बहुत हुंकार जरूर भरी थी, लेकिन इस बीच एक ऐसा जांबाज था भारतीय टीम का जो कि टीम को 120 से उठाकर सीधा 170 तक ले गया। जी हां दोस्तों, आपने सही पहचाना, हम बात जड्डू की ही तो कर रहे हैं। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने आज अकेले अपने दम पर इतना सॉलिड कमबैक किया और टीम का भी कमबैक कराया मैच में कि सब देखकर हैरान हो गए। टिक रन आउट होते ही जड्डू मानो कि अपना गियर बदल चुके थे और उसके बाद उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन को बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए, लेकिन अभी तो सफर केवल शुरू हुआ था। दोस्तों, जड्डू ने आगे चलकर जॉर्डन को भी बैक टू बैक 2 चौके जड़े और एक तरफ से जब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लगातार अपना विकेट गंवाए जा रहे थे, तो वही दूसरी तरफ से जड्डू ने अपने आप को इतनी मजबूती से मैदान में सेट कर लिया था कि इंग्लैंड की टीम के दिग्गजों के भी पसीने निकल गए थे उन्हें आउट करते करते। 208 विकेट गिर चुके थे, लेकिन रविंद्र जडेजा टस से मस नहीं हुए। आपको बताए दोस्तों, जडेजा ने अपनी पारी में 5 शानदार चौके लगाए और 158 के स्ट्राइक रेट से 29 गेंदों के अंदर ही पूरे 40 रन लगा दिए थे। दोस्तों, रविंद्र जडेजा की पारी भारत को उठाकर 120 से सीधा ले गई 170 तक और हम 171 का टारगेट देने में कामयाब हो पाए। और दोस्तों, रविंद्र जडेजा का कमबैक भी सफल हुआ, क्योंकि जिस तरीके की धाकड़ बल्लेबाजी उन्होंने करके दिखाई है वह काबिले तारीफ है। आपको बता दें दोस्तों कि रविंद्र जडेजा भी एक लंबे अरसे बाद कमबैक कर रहे हैं ऑलराउंडर के तौर पर और उनकी ये 46 रनों की पारी भारत को एक नई उम्मीद दे गई जीतने की। और दोस्तों, मानना पड़ेगा जडेजा की बल्लेबाजी को देखकर रोहित तक हैरान हो गए थे और कोहली भी, लेकिन आप सभी इनकी सिंगल हैंडेडली बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।